गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सेकंड। बच्चों, पेज नंबर 28, सीनरी हम लोग को ड्रॉ करना है, नोटबुक और वर्कबुक दोनों में। ये देखो बच्चों, इसके अंदर लिखा है कलर द सीनरी यूजिंग द क्रेयॉन। सो बराबर, ये क्रेयॉन कलर से करना है बच्चों। इसके अंदर बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको बार बार कलर से रिपीट करते जाना है। देखो, जैसे कि एक कलर के अंदर एक बार कलर पकड़ा, यहाँ पे चार कलर हैं। ए वॉयलेट कलर मैंने डार्क करने के लिए लिया है, रेड यहाँ बोर्ड के अंदर, फिर येल्लो यहाँ नीचे बराबर, और ब्लू बराबर। लैंड के अंदर येल्लो बताया हुआ है, और बाकी के अंदर पिंक और ब्लू, ए वाला ब्लू और ए डार्क ब्लू पानी दिखाने के लिए। तो देखो बच्चों, पहले मैं क्लाउड्स से स्टार्ट करती हूँ। क्लाउड्स बनाने के लिए पहले ए वाला लाइनिंग यहाँ से बनाते जाओ। नोटबुक में भी बनाना है और वर्कबुक में भी करना है बच्चों। मैंने दोनों के अंदर बनाने के लिए बोला है, खाली एक के अंदर नहीं बराबर। एक लाइन आई, फिर सेकंड लाइन, वहाँ से फिर से अंदर की साइड पे घुमाते जाओ ऐसे बराबर। एक क्लाउड शेप में आना चाहिए, थोड़ा इधर उधर होगा तो चलेगा। ये बन गया हमारा क्लाउड्स का शेप, देखो यहाँ पे है वैसा बराबर। फिर देखो बच्चों, फिर ए वाला अंदर की साइड पे हम लोग को लेना है, नीचे की साइड पे ए डार्क ब्लू। डार्क ब्लू लगाने के लिए अंदर ए वेव्स बनाए, उसके नीचे लाइट डार्क करना है बराबर। ए लाइट डार्क ऐसी लाइनिंग करनी है, पहले बाहर का फिनिश कर देना फिर अंदर जाना बच्चों। तो क्या बाहर का भी अच्छी तरह से होगा और अंदर का भी। एक वेव्स बनाई होगी, उसके नीचे नीचे दूसरी वेव्स ऐसी बनानी है, देखो बराबर। पानी की वेव्स बनाई होगी, उसके नीचे ही आपको रिपीट करना है बराबर ना। फिर अभी देखो, ए मैं यहाँ का बनाती हूँ, बोट के अंदर का। तो बोट के अंदर में मैंने स्केल का स्केल यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हाथ से भी करोगे तो भी चलेगा, देखो ऐसा बराबर। फिर से एक ट्रायंगल, जो हम लोग प्रैक्टिस वर्क में बच्चों मैंने करवाया वैसा ही है। वेव्स के नीचे वेव्स, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, और वैसा ही राउंड के अंदर राउंड। अभी ए वाला यहाँ पे फिर से ट्रायंगल के अंदर कलर, ए क्रेयॉन कलर रेड कलर का ऐसा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये कलर है, आगे पीछे होता ही रहता है, ऐसे ही होगा तो ही सीखोगे ना। देखो ऐसा, वैसे ही अंदर ट्रायंगल करते जाना है और डिज़ाइन बनाती जानी है। इतना कंप्लीट करने के बाद ए वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे ए वाला शेप के अंदर ब्राउन कलर लिया है, तो ब्राउन के बदले हम लोग लेंगे ऑरेंज कलर लेंगे, क्योंकि ब्राउन कलर बराबर दिखेगा नहीं अच्छी तरह से, लाइट हो जाएगा ये सब कलर के अंदर। ये सब वार्म कलर है, डार्क बराबर। ए वाला हम लोग ने इसके नीचे का भी बना दिया, वैसे ही यहाँ का सेम बोर्ड का शेप अंदर ड्रॉ करते जाना है, कंप्लीट करना है बराबर। अभी येलो लैंड के लिए, नीचे ज़मीन बताने के लिए येलो बताई हुई है लैंड, वैसे ही लाइनिंग करनी है अंदर, देखो बराबर बच्चों। वैसे ही आप लोग को